हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम लाइन। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जो आरएसपी राउरकेला स्टील प्लांट तरफ से जो वैकेंसी निकला था, वो परीक्षा अभी नज़दीक में हो गया। उसका हम लोग वो जो सारी की सारी जो ट्रेड क्वेश्चन और जो एप्टीट्यूड क्वेश्चन हम लोग इसी वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इसी वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर एंड तक पूरा ध्यान से देखिए। हो सकता है ये वीडियो आप बहुत लेंदी होगी, क्योंकि आप जो फ्यूचर ट्रेड और जो कि ट्रेड कर रखे हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, किसी टाइप का वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है, आप लोग को मालूम हो जाएगा। ठीक है, आपका सामने में जो पहला क्वेश्चन है आप लोग देखिए, द डेप्थ बार ऑफ वर्नियर कैलिपर इज अटैच्ड विद डैश, दे दीजिए उसका सही आंसर क्या होगा। उसका जो सही आंसर है आप लोग देखिए, ए में दे रखा है फिक्स जॉ, बी ए में मूवेबल जॉ, सी में फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, डी में बोथ फिक्स जॉ एंड एडजस्टमेंट स्क्रू। हम लोग तो जानते हैं डेप्थ बार, देखिए ये वर्ड लग रहा है डेप्थ बार ऑफ वर्नियर कैलिपर, जो आंसर होगा आप लोग को 100% मूवेबल जॉ होगा। ठीक है, जितना भी हम लोग मूव करेंगे उतना ही डेप्थ हमारा पास खुल कर आएगा और मापने के लिए। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इन ए रिबिटेड जॉइंट, ये रिबिट जो चैप्टर में आ रहा है। ठीक है, इन ए रिबिटेड जॉइंट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ एडजेसेंट रिबिट इन या द सेम रो इज कॉल्ड डैश। ठीक है, मान के चलिए ये जो एक रिबिट जॉइंट है, ये सेंटर का बीच की दूरी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पिच, हम लोग पढ़ा है पहले। ठीक है, उसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, डैश इज यूज टू जॉइन टू पीस ऑफ रोप इज ऑफ इक्वल डायमीटर। ठीक है, ये रोप की चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, जो फास्टनर चैप्टर, चलिए हम लोग देखते हैं ये इसका जो आंसर है। ऑप्शन में ए दे रखा है स्लिप कट, स्लिप नॉट, बीम बोलाइन नॉट, स्क्वायर नॉट, सिप सैक नॉट। हम लोग जानते हैं जो इक्वल डायमीटर जो टू पीस जॉइन होते हैं इसको कहते हैं स्लिप नॉट, ठीक, सॉरी स्क्वायर नॉट। ठीक है, चलिए उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मोल्टन मेटल इज प्रोड्यूस, सॉरी इज पोर्ड फॉर जॉइनिंग द मेटल इन डैश। आप सभी लोग को पता है जो मोल्टन मेटल है, जो पोर जॉइनिंग मेटल कर रहे हैं, इसको बोलते हैं टीआईजी वोल्डिंग। ठीक है, टीआईजी वोल्डिंग, उसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हेक्सो ब्लेड ऑफ डैश सुइटेबल फॉर शीट मेटल ट्यूबिंग, देखिए वहाँ पे देखिए शीट मेटल अदर नेम है, शीट मेटल ट्यूबिंग अदर में, क्योंकि जो ट्यूब में मिडिल पॉइंट हो रहा है क्या, होलो हो रहा है। ठीक है, हम लोग का जो वेरी फाइन पिच लगेंगे हेक्सो ब्लेड, वेरी फाइन पिच का जो टीथ का नंबर है इसको क्या बोलते हैं, 32 टूथ पर इंच, मतलब टीपीआई। ठीक है, 32 टीपीआई उसका जो सही आंसर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन का, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, द टूल मेड ऑफ कार्बाइड वेयर आउट फास्टर आउट डैश। ठीक है, जो कार्बाइड वेयर आउट फास्टर की क्या होगा उसका फास्टर, वहाँ पे ए में दे रखा है स्लो स्पीड, मीडियम स्पीड, फास्ट स्पीड, वेरी फास्ट स्पीड। उसका तो ऑब्वियसली उसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्लो स्पीड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिव फ्लक्स इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग गाल्वनाइजिंग आयरन एंड जिंक शीट। ठीक है, हमारा ये जो सोल्डिंग प्रोसेस, जो वोल्डिंग एंड जो सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग चैप्टर में आ रहा है इसी क्वेश्चन का, जो सभी चैप्टर में एक एक क्वेश्चन पूछा गया है शायद। ठीक है, वहाँ पे देखिए गाल्वनाइजिंग आयरन एंड जिंक शीट में जो फ्लक्स लगा है वो फ्लक्स को क्या कहते हैं, आप लोग शायद पढ़ चुके होंगे, इसको कहते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, यह हमारे पास सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द टूल एंड वर्कपीस इज इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस आर सेपरेटेड बाय डैश। चलिए उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी होता है शायद, एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। आप लोग को यदि पता है शायद उसका सही आंसर है, और ये भी मेरा गलत हो जाएगा तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर पता कीजिए। ठीक है, जरूर बता दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिजाइन ऑफ पैरेलल फिलेट वेल्डेड जॉइंट इज डन ऑन द बेसिक ऑफ डैश। जो हमारे पास जो
पैरेलल फिलेट जो वेल्डिंग होते हैं इसमें जो डिजाइन किया जाता है क्या डिजाइन किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया है टेंसिल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, शेयर स्ट्रेंथ, बेंडिंग स्ट्रेंथ। ऑलवेज ऑब्वियसली उसका जो सही आंसर आप लोग को देता हूँ, उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शेयर स्ट्रेंथ। ठीक है, आप लोग चाहे तो उसको भी नोट कर दीजिए क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे आना मेला इसी टाइप का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को फिटर ट्रेड का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का 10 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। द गियर साइज, द साइज ऑफ ए गियर इज यूजुअली स्पेसिफाइड बाय डैश। ठीक है, जो साइज ऑफ का गियर हम लोग कैसे स्पेसिफाई करते हैं, या तो प्रेशर एंगल, सर्कुलर पिच, डायमीटर पिच, पिच सर्कल डायमीटर, आप लोग सभी लोग को पता होना चाहिए जरूर। उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, पिच सर्कल डायमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इज इनकरप्टेड इन ए डैश। ठीक है, जो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इनकरप्टेड क्या है, मिलिंग मशीन, वॉचिंग मशीन, सॉल्टिंग मशीन, लेद मशीन। ठीक है, ऑब्वियसली उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रोचिंग मशीन। मेरे ठीक से पता नहीं, आप लोग को पता है तो ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एसीटिलीन गैस इज प्रोड्यूस फ्रॉम डैश। ठीक है, ए में दे रखा है कार्बन, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, हम लोग का पता है जो एसीटिलीन गैस हम लोग यूज करते हैं कहाँ पे यूज करते हैं, जो कि गैस होल्डिंग होते हैं जिसमें कैल्शियम कार्बाइड नाम के एक गैस निकलती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इन सैंड मोल्डिंग, ये मोल्डिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आ रहा है मोल्डिंग सब्जेक्ट में। इन सैंड मोल्डिंग द टॉप ऑफ पर्सन द मोल्ड इज नोन एज डैश। जो सैंड मोल्डिंग में जो टॉप पर्सन को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आप लोग ध्यान दीजिए कोप कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्रेड इज यूज व्हेन फोर्स एक्ट एंटायरली इन वन डायरेक्शन। हम लोग देखते हैं जो थ्रेड है वहाँ पे जो वन डायरेक्शन एंटायरली फोर्स करते हैं इसको क्या कहते हैं, या तो स्क्वायर थ्रेड, बटर्स थ्रेड, बीएसडब्ल्यू थ्रेड, एक्मे थ्रेड, आप लोग को जानते होंगे। उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बटर्स थ्रेड। वहाँ पे भी एक ही क्वेश्चन निकल कर आया है, बटर्स थ्रेड्स का एंगल कितना डिग्री होते हैं, आप लोग जरूर पता होगा, नहीं पता होगा तो आप लोग देख लीजिए 45 डिग्री होते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हिच चिजल इज यूज फॉर कटिंग क्यूए। ऑप्शन ए में दे रखा है फ्लैट चिजल, बी में डायमंड पॉइंट चिजल, सी में कैप चिजल, सी में राउंड नोज चिजल। उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही है, जैसे कैप चिजल जिसको बोलते हैं क्रश नट चिजल, उसका दूसरा नाम है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ट्रैवलिंग स्टेडी रेस्ट इन लेथ इज माउंटेड ऑन डैश। जो स्टेडी रेस्ट जो लेद में वो माउंटेड क्या पर था, वो था बेड पर। ठीक है, उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट कॉमनली यूज फ्लक्स इन ब्लास्ट फर्नेस्ट। और जो ब्लास्ट फर्नेस्ट में कौन सा फ्लक्स यूज करते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग देख सकते हैं। उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइम स्टोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फोर जॉ चक की जो ऑल्सो नोन एज डैश। हमारे पास जो चक है थ्री जॉ चक या फोर जॉ चक, थ्री जॉ चक के क्या कहता है, क्या कहलाता है, सेल्फ सेंटरिंग चक। ठीक है, उसके बाद फोर जॉ चक को क्या कहता है, इंडिपेंडेंट जॉ चक। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाइल ड्रिलिंग इन लेथ द ड्रिल इज हेल्ड ऑन डैश। हम लोग जैसे लेद में ड्रिलिंग करते हैं, जो ड्रिल जो कहाँ पे स्थिति है, ए रे हेड स्टॉक, बी में स्टेल स्टॉक, सी में कंपाउंड रेस्ट, डी में बेड, आप लोग को पता होना जरूरी है। हेड स्टॉक में हम लोग का जो मेटल रहता है जिसको कंपोनेंट जो रहता है, टेल स्टॉक में जो ड्रिल रेमरिंग जो किस क्या किया जाता है उसमें क्या में रहता है, टेल स्टॉक में। उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने में, द गियर इज यूज इन क्लॉक मैन्युफैक्चरिंग बाई मीन्स ऑफ डैश प्रोसेस। जो गियर होते हैं
ये जो क्लॉक गियर का मैन्युफैक्चरिंग किस पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, ये में दे रखा है स्टाम्पिंग, एक्सट्रक्शन, मिलिंग, ब्रोचिंग। दे दीजिए उसका जो सही आंसर है, आप लोग का पता होगा उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्टैम्पिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, वैक्स पैटर्न इज यूज इन डैश। हमारे पास जो वैक्स पैटर्न यूज कैसे होते हैं, सेल मोल्डिंग में होते हैं, आप लोग को मालूम होगा। उसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, कास्टिंग मेथड यूज टू मेक डेंटल रेस्टोरेशन। ये ज़्यादा क्वेश्चन कास्टिंग मोल्डिंग और स्टील शीट मेटल ये वाला पोर्शन में ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं वहाँ पे। देखिए क्या हो रहा है, ये कास्टिंग मेथड यूज टू मेक डेंटल रेस्टोरेशन। ठीक है, जो कास्टिंग मेथड होते हैं डेंटल रेस्टोरेशन में, इसको क्या कहता है, सैंड कास्टिंग, डाई कास्टिंग, कंटिन्यूस कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। हम लोग का पता होगा उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रास इज येलो एंड डैश। हम लोग को पता होगा ब्रास कौन सी धातु में पाए जाते हैं, जो कि मिलकर बनाते हैं। हम लोग का पता होना जरूरी है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्डनेस ऑफ लेथ बेड वुड बाय मेजर्ड बाय डैश। जो हार्डनेस जो हम लोग का जो पता करते हैं बेड का, ये किस मेजर में, किस हार्डनेस में किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है रॉकवेल्स हार्डनेस टेस्टर, ब्रिनवेल हार्डनेस टेस्टर, शोर सेलिस्क्रोप एंड विकर्स हार्डनेस टेस्टर। उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारे पास सही आंसर है शोर सेलिस्क्रोप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द पावर फ्रॉम द लैंड स्क्रू टू द कैरिएज इन लेथ इज ट्रांसमिटेड थ्रू। उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है, सही आंसर है आप लोग देख लीजिए, गियर सिस्टम या पुली ड्राइव या रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट या हाफ नट। उसका जो सही आंसर हो जाएगा स्क्रू में हाफ नट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइन बार इज स्पेसिफाइड बाय डैश। हमारे पास जो साइन बार जो मेजर करने के लिए होता है, जो हमारे पास क्या मेजर करते हैं, जो एक्यूट एंगल मेजर करते हैं। ठीक है, उसको जो क्या स्पेसिफाई करता है, या टूल लेंथ, टोटल लेंथ, या सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू रोलर, या साइज ऑफ द रोलर, ना डिस्टेंस बिटवीन द अपर सरफेस रोलर। ठीक है, उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू रोलर बीच का दूरी को कहते हैं सिनेबार का, जो स्पेसिफाई हम नापते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर। ठीक है, जो क्या कहते हैं, जो धातु एल्यूमिनियम कहाँ से निकलते हैं, वो जो सही आंसर है आप लोग का मालूम होगा बॉक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल एब्रेसिव। ठीक है, एक आर्टिफिशियल एब्रेसिव क्या है, आर्टिफिशियल एब्रेसिव हमारे पास है सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, उसका जो सही आंसर हो जाएगा आर्टिफिशियल एब्रेसिव सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन डज नॉट यूज जिग। ठीक है, जिग में कौन ऑपरेशन हम लोग नहीं करते हैं, टर्निंग, ड्रिलिंग, रेमरिंग, टैपिंग। हम लोग देखते हैं जो ड्रिलिंग, रेमरिंग, टैपिंग, ये तीनों हम लोग जिग में कर सकते हैं, यानी टर्निंग हमारे पास निकल कर आए हैं बैठ जाते हैं, टर्निंग हम लोग नहीं करते हैं। टर्निंग कहाँ से होते हैं, लेद में होती है। ठीक है, उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इरेगुलर शेप वर्क्स पीस इज क्लैम्प्ड ऑन द लेद इन डैश। जो इरेगुलर वर्क्स पीस होता है, ये कहाँ पे क्लैम्प किया जाता है, फेस प्लेट, या तो फोर्जर चक, या कलेक्टर चक, या मैंड्रेल। उसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए आप लोग जानते होंगे जो फोर्जर चक ये भी कंपोनेंट को पकड़ते हैं, और फेस प्लेट, ये दोनों का में आप लोग कंफ्यूज मत होना। उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फेस प्लेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अप्रोप्रिएट टूल यूज टू टूर स्पॉट फेसिंग ऑपरेशन इज डैश। अप्रोप्रिएट जो टूल फेसिंग के लिए क्या होता है, रेमरिंग, या स्पॉट फेसिंग, या काउंटर बोरिंग, या काउंटर सिंकिंग। हमारे पास जो देखिए या स्पॉट फेसिंग में होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्रैंकशाफ्ट रोटेटिंग
इन द जर्नल बेरिंग ऑफ ए इंजिन ऑफ एन इंजिन फ्रॉम ए डैश, या तो स्क्रू पेयर, टर्निंग पेयर, स्पेरिकल पेयर, रोलिंग पेयर। उसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप लोग देखिए ऑप्शन नंबर जो हमारे पास है रोलिंग पेयर होते हैं, क्योंकि ये जर्नल बेरिंग होती है, शायद रोलिंग पेयर उसका जो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द कंपोनेंट इज बॉल बेरिंग दैट सेपरेटेड द बॉल एंड मेंटेन द प्रॉपर स्पेसिंग इज डैश। ठीक है, हमारे पास जो बॉल बेरिंग होते हैं, बॉल बेरिंग अंदर में जो बॉल घूमते हैं, जो इसको जो एक केज देकर बोलते हैं, इसको बोलते हैं केज। ठीक है, जो प्रॉपर स्पेसिंग पाए जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं आउटर सरफेस एंड इनर स्पेस, जो दोनों के मिडिल में जो आते हैं, इसको बोलते हैं केज। ठीक है, उसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द इलेक्ट्रोलाइट इज जनरली यूज इन इलेक्ट्रोकेमिकल ड्रिलिंग प्रोसेस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जनरली यूज इलेक्ट्रोलाइट केमिकल ड्रिलिंग प्रोसेस में क्या होती है, व्हाइट स्पिरिट, ट्रांसमिट फ्लूइड, एक्वेरियस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, वेजिबल ऑयल। उसका जो सही आंसर दे दीजिए, उसका क्या होगा उसका सही आंसर, उसका जो सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही है, हो सकता है मुझे पता नहीं ठीक से। ठीक है, आप लोग को पता हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीड्स कम अंडर द कैटेगरी और ऑफ ट्रांसमिशन फीड, ट्रांसमिशन फीड। ठीक है, हम लोग देखते हैं जो ट्रांसमिशन फीड होते हैं, ट्रांजिशन फीड होते हैं, ये कौन सा कैटेगरी में आते हैं, रिंगिंग फीड, स्लाइडिंग फीड, रनिंग फीड, फोर्स फीड। उसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, विनिंग फीड में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कन्वेयर एंड एक्सटेंसिवली यूज्ड एज मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेआउट इन फैक्ट्री। जो फैक्ट्री में जो इक्विपमेंट को हम लोग कैसे लेआउट में करते हैं, प्रोसेस लेआउट, प्रोड्यूस लेआउट, प्रोडक्ट लेआउट, ग्रुप लेआउट, फिक्स पोजिशन लेआउट। उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फिक्स पोजिशन लेआउट। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए, द साइन बार यूज इज फॉर डैश। देखिए वहाँ पे दे रखा है ए लेवलिंग द जॉब, फाइंडिंग द एंगल टैपर जॉब, मेजरिंग द डायमीटर होल, चेकिंग फॉर प्रोफाइल ऑफ थ्रेड। उसका जो सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ठीक है, फाइंडिंग द एंगल टैपर जॉब। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास देखिए, द ड्रॉइंग ऑपरेशन द मेटल फ्लो ड्यू टू डैश। द ड्रॉइंग ऑपरेशन में जो मेटल फ्लो होता है, कैसे टाइप का फ्लो होता है, या तो डक्टिलिटी, वर्क हार्डनिंग, प्लास्टिसिटी, शेयरिंग। उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये प्लास्टिक से होने की धाय ये ड्रॉइंग ऑपरेशन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर देखते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ थर्मोस्टोन। ठीक है, जो वहाँ पे जो एग्जाम्पल दे रखा है, वहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल थर्मोस्टोन के अंतर्गत आते हैं, एक पॉलिस्टर, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीस्टेरिन, पॉलीरुथेनिन। ठीक है, उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पॉलीरुथेन्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द थिकनेस ऑफ फुलरिंग टूल इज अबाउट द डैश आज द प्लेट, आज डैट द प्लेट। वहाँ पे जो फुलरिंग हम लोग करते हैं, क्योंकि डोंट लीकेज के लिए, इसमें रिबिट क्वेश्चन में आ रहा है, रिबिट चैप्टर में, इसका जो जो सेम प्लेट क्या में थिकनेस होते हैं, ये अदरवाइज सेम होते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग पूरे की पूरी फिलअप करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हिच पैटर्न ऑपरेशन इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग व्हील रिम। जो कौन सा पैटर्न में जो रील को व्हील रिम को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फॉलो बोर्ड पैटर्न, सेगमेंटल पैटर्न, स्वीप पैटर्न, गेटेड पैटर्न। उसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही है। ठीक है, सेगमेंटल पैटर्न। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्ड सॉन्ग डिफेक्ट इन कास्टिंग प्रोसेस ऑकर ड्यू टू डैश लैक ऑफ मोल्टन मेटल फ्लूडिटी। बी में दे रखा है पोर परमाबिलिटी ऑफ मोल्डिंग सैंड, सी में थर्मल एक्सप्रेशन ऑफ मोल्डिंग सैंड, डी में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ मोल्डिंग मेटल, मोल्टन मेटल। उसका जो सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही है। ठीक है, लैक ऑफ मोशन, मोल्टन मेटल फ्लूडिटी।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है वल्कनाइजेशन अ प्रोसेस इज एडिंग, हम लोग जो वल्कनाइजेशन कहते हैं इसको कौन सा एडिंग कहते हैं, आप लोग को पता होना उसका जो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सल्फर इंटू रबर में जो इसको मिलाते हैं, रबर में जो सल्फर मिलाते हैं उसको कहते हैं वल्कनाइजेशन प्रोसेस। ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टिन, मेल्टिंग पॉइंट टिन का जो क्या है 232 डिग्री सेल्सियस। ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द स्लाइडिंग सरफेस ऑफ लेड बेड, दो जो स्लाइडिंग सरफेस होते हैं जन लेड बेड का उसका जो आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही हो जाएगा फ्लेम टेम्पलेट, ठीक है सॉरी फ्लेम हार्डेंट के लिए। ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फास्टनर हैज द बोथ एंड थ्रेड, ये फास्टनर पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन। ठीक है जो बोथ एंड थ्रेड का क्या कहते हैं इसको बोलते हैं स्टड। ठीक है स्टड उसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन इन स्पॉट होल्डिंग द टिप ऑफ इलेक्ट्रोड इज मेड ऑफ डैश, जो स्पॉट होल्डिंग होते हैं वहाँ पे जो टिप ऑफ इलेक्ट्रोड किस में बनते हैं, ऑब्वियसली बात है ये कॉपर से बनते हैं क्योंकि ये ज़्यादा हीट हो रहा है, क्योंकि ये कॉपर का जो हीट प्रोसेस का बहुत ज़्यादा है। ठीक है उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन द कटिंग एंगल ऑफ चिजल फॉर चिपिंग कास्ट स्टील, ठीक है ये जो कास्ट स्टील में जो चिपिंग होती है इसको कितना डिग्री एंगल में कटिंग एंगल होते हैं जो चिजल का, या तो 30 डिग्री या 45 डिग्री या तो 50 डिग्री या 70 डिग्री, उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है क्योंकि ये कास्ट स्टील, ठीक है कास्ट आयरन ये अलग ही है, एल्यूमिनियम अलग है, ये कास्ट स्टील। ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ग्राइंडिंग प्रोसेस यूज फॉर स्टील बॉल ऑफ बॉल बेरिंग इज कॉल्ड डैश, जो बॉल बेरिंग का जो ग्राइंडिंग प्रोसेस होता है इसको क्या कहता है, इसको कहते हैं स्पेरिकल ग्राइंडिंग। ठीक है ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द डिफेक्ट बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज इसको क्या कहता है। ठीक है हम लोग जो लिमिट एंड फिट चैप्टर में ये क्वेश्चन आ रहा है आप लोग को पता होगा जरूर, जो मिनिमम एंड मैक्सिमम का जो बिटवीन जो मिनिमम एंड मैक्सिमम साइज को डिफरेंस का क्या कहता है, इसको कहते हैं टॉलरेंस। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द कपलिंग व्हिच अलाउ पोजिशन पॉजिटिव ट्रांसमिशन पावर लार्ज एंगल, ठीक है जो लार्ज एंगल में हम लोग जो कपलिंग करते हैं इस किसको क्या कहता है, या तो प्लेट कपलिंग, यूनिवर्सल कपलिंग, स्लिप टाइप कपलिंग या क्लैंप कपलिंग, उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूनिवर्सल कपलिंग। ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द सरफेस गेज इज यूज फॉर डैश, जो सरफेस गेज किस में यूज करते हैं, या चेकिंग डायमेंशन, या जो चेकिंग राइट एंगल, या ट्रिमिंग जॉब, या मार्किंग पर्पज। ये देखिए वहाँ पे दो आंसर हमारे पास निकल कर आए हैं, वहाँ पे जो ट्रूइंग जॉब हम लोग जो ट्रू करते हैं जॉब को वहाँ पे भी सरफेस गेज निकलते हैं, वहाँ पे भी सरफेस गेज यूज होता है, उसका बाद मेन पर्पज है मार्किंग पर्पज। ठीक है सरफेस गेज का जो जो मेन पर्पज है ये मार्किंग पर्पज है, उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परिंग द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द प्रॉपर्टी ऑफ डैश, ये वहाँ पे देखिए ये भी टेम्परिंग का आ रहा है, इसको बोलते हैं क्या ए में ब्रिटलनेस या मेलेबिलिटी या टॉकनेस डक्टिलिटी, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये क्योंकि ये ब्रिटलनेस होता है। ठीक है हमारे लोग जो टेम्परिंग करते हैं वहाँ पे रिमूव होता है ब्रिटलनेस, टॉकनेस बढ़ते हैं। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका सामने में, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए द चलिए उस वहाँ पे द लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर वर्क विद द प्रिंसिपल ऑफ डैश, वहाँ पे देखिए जो लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर वहाँ किस प्रिंसिपल में काम करते हैं, या रैक एंड पिनियन, या स्लाइडिंग मूवमेंट, या स्लाइडिंग रोल एंड लीवर एंड स्क्रॉल, उसका जो सही आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रैक एंड पिनियन। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द नंबर ऑफ स्लॉट यानी 25 mm कास्टल नॉट, वहाँ पे देखिए जो नॉट है 25 mm कास्टल नॉट का जो स्लॉट कितने होती हैं। ठीक है क्योंकि जो कास्टल नॉट का ये हेक्सागोनल होता है वहाँ पे 6 टाइप ऐसी बने रहते हैं। ठीक है वहाँ पे कास्टल नॉट होते हैं वहाँ पे कितना है 6, वहाँ पे भी बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी 6। ठीक है
वहाँ पे स्लॉट होते भी सिक्स। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्टीम इंजन द पिस्टन रॉड इज कनेक्टेड टू क्रॉस हेड बाय मीन ऑफ ए डैश। वहाँ पे देखिए, जो स्टीम इंजन में जो पिस्टन रॉड कनेक्टेड है, ये किस टाइप का जॉइंट होते हैं? या नकल जॉइंट, कटर जॉइंट, यूनिवर्सल जॉइंट, कपलिंग जॉइंट। उसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या है, देखिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, कटर जॉइंट। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेट ऑफ द स्लेज हैमर वेरियस बिटवीन डैश। जो स्लेज हैमर देखते हैं, उसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, 1 से 2 kg, 4 से 10 kg, 12 से 15 kg, 15 से 20 kg। उसका जो सही आंसर है, ऑब्वियसली देखिए, फॉर्जिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं स्लेज हैमर को। ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन और बी हमारे पास सही है, क्योंकि ये 4 से 10 kg के बीच में आते हैं ये हैमर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द कंपोजिशन ऑफ स्लॉट शोल्डर इज सॉफ्ट शोल्डर इज लीड एंड डैश। हमारे पास जो सॉफ्ट शोल्डर होते हैं, वहाँ पे जो यूज होते हैं जो कंपोनेंट क्या क्या है, लीड एंड टिन। ठीक है, वहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही है, टिन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हिच टैपर इज यूज टू ऑन स्पिंडल नोज ऑफ लेद हेडस्टॉक। ठीक है, जो लेद में हेडस्टॉक में जो स्पिंडल नोज यूज होते हैं, इसमें कौन सा टैपर यूज होते हैं? जॉन टैपर, ब्राउन एंड शार्प टैपर, पिन टैपर एंड मॉस टैपर। उसका जो सही आंसर हो जाएगा 100% ऑप्शन नंबर डी, मॉस टैपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, लाइसेंस्ड एक्ट इज एंड इन कोर मेकिंग ऑफ कास्टिंग प्रोसेस। ठीक है, ये जो लाइसेंस्ड एक्ट की बोलते हैं, जो कोर मेकिंग में, इसमें बोलते हैं बाइंडर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है, बाइंडर। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। वोल्ट स्पैटर इज ए काइंड ऑफ डैश। हम लोग वोल्डिंग करते हैं, वहाँ जो स्पैटर निकलते हैं, ये कौन सा प्रक्रिया में निकलते हैं? या तो वोल्डिंग डिफेक्ट होने के लिए, या तो वोल्डिंग टेक्निक की वजह से, या वोल्डिंग इलेक्ट्रोड वजह से, या वोल्डिंग चक स्ट्रिक वजह से। उसका जो सही आंसर है, जो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही है, क्योंकि वोल्डिंग डिफेक्ट वजह से ये वोल्डिंग स्पैटर निकलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फीड ऑफ द टूल इन ए लेद एक्सपेक्टेड इन डैश। ठीक है, हम लोग देखिए, जो फीड हम लोग एक जो घुमाते हैं, जो इसको बोलते हैं फीड, उसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही है। ठीक है, एक मिलीमीटर में एक रिवर्स जो होते हैं, जो रिवॉल्यूशन होते हैं, जो हमारे पास जो होते हैं, जो राउंड जो जिसको बोलते हैं भैया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द बाइंडिंग मटेरियल यूज टू इन सीमेंटेड कार्बाइड टूल इज डैश। जो बाइंडिंग मटेरियल यूज करते हैं सीमेंटेड कार्बाइड टूल के लिए, उसका जो क्या कहता है, ये में निकेल, कोबालट, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, उसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, कोबालट। ठीक है, कोबालट हम लोग यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूज टू नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रोड। नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रोड में ये जो वोल्डिंग प्रोसेस होते हैं, वहाँ पे क्या होते हैं, MIG वोल्डिंग, TIG वोल्डिंग, समग्र आर्क वोल्डिंग एंड थर्मिक वोल्डिंग। वहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, TIG वोल्डिंग। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने में, द मशीनिंग मेथड व्हिच यूज एब्रेसिव स्लरी इज डैश। उसका जो सही आंसर हो जाएगा, चलिए मुझे तो पता नहीं, आप लोग को पता हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हिच पंच इज यूज फॉर मेकिंग मार्किंग द सेंटर्स वेयर डिवाइडर आर बी यूज। ठीक है, वहाँ पे भी देखिए, जो मार्किंग ऑफ द सेंटर पॉइंट होते हैं, वहाँ पे कौन सा पंच में सेंटर देते हैं, या बेल पंच, प्रिक पंच, सेंटर पंच, डॉट पंच। देखिए वहाँ पे कन्फ्यूज मत होना, वहाँ पे भी डॉट पंच दिया रखा है, प्रिक पंच दे रखा है। ठीक है, क्योंकि डॉट करने के लिए आप लोग सोचे तो डॉट पंच को क्लिक करके आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा। उसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पीक पंच। पीक पंच में एक क्वेश्चन निकल कर आया है, उसका एंगल कितना डिग्री होता है, उसका 30 डिग्री होता है। वो जो सेंटर पंच का कितना डिग्री होता है, सेंटर पंच का है 90 डिग्री होता है, इसको पता होना जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्क्राइबर आर मेड ऑफ डैश। हम लोग को पता होना, ये पहला पार्ट है आप लोग का, जो ITI शुरू करने से पहले ये पढ़ाते हैं, आप लोग पढ़ते हैं शायद। ठीक है, ये जो स्क्राइबर किस में मेड होते हैं और किस में बनते हैं, HSS। ठीक है, हाई कार्बन स्टील। ठीक है,
HCS, ठीक है, हाई कार्बन स्टील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है ए स्टैम्पिंग प्रोसेस डैट प्रोड्यूस सेलो रिलीफ डिजाइन ऑन शीट मेटालजी। वहाँ पे देखिए दे रखा है स्टैम्पिंग प्रोसेस डैट प्रोड्यूस ए सेलो रिलीफ डिजाइन ऑन शीट मेटल, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन में टीनिंग, एम्बॉसिंग, फॉर्मिंग, ट्रायंगुलेशन। उसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए क्या हो, ये जो सही आंसर हो जाएगा टीनिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर, नेक्स्ट क्वेश्चन थिकनेस ऑफ द टूथ इन गियर मेजर अलोंग द डैश। जो थिकनेस ऑफ द मेजर करते हैं टूथ का, जो गियर टूथ का, ये किस मेजर में अलोंग करते हैं, या तो रूट सर्कल, पिच सर्कल, अंडेनम सर्कल, डिडेनम सर्कल, ठीक है। उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिच सर्कल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं एज हार्डनिंग इज रिलेटेड टू डैश। जो एज हार्डनिंग में किस में रिलेट करता है, ये ब्रास, ड्यूरेलियम, मोर्ज मेटल, व्हाइट मेटल, ठीक है। उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ड्यूरेलियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच टाइप स्कार्पर इज सुइटेबल फॉर रिमूविंग लार्जर क्वांटिटी चिप। जो लार्ज क्वांटिटी चिप में किस टाइप का स्कार्पर यूज करते हैं, इसको बोलते हैं हाफ राउंड नोजर, या फ्लैट रोजर, या बुल नोज स्कार्पर। सॉरी, एक में दे रखा है हाफ राउंड स्कार्पर, फ्लैट स्कार्पर, बुल नोज स्कार्पर, या थ्री स्क्वायर स्क्रापर। ये जो स्क्रापर हम लोग देखते हैं फ्लैट स्क्रापर, क्योंकि ये बड़ी मात्रा की क्वांटिटी को रिमूव करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द थर्मिट वेल्डिंग एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड मिक्स का रेशियो क्या है। ये जो रेशियो है आप लोग पूरा नोट कीजिए, 1:3 में चलते हैं ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ कैप्सन लेद, ठीक है। जो कैप्सन लेद में कौन सा पार्ट नहीं है, आप लोग देखिए लेथ मतलब है टूल पोस्ट करेंगे, स्पिंडल भी था और चॉक भी था, वहाँ पे टेल स्टॉक नहीं था, इसका मतलब उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द टूल पोस्ट इज ऑफ ए शार्पर इज माउंटेड ऑन डैश। द टूल पोस्ट ऑफ शार्पर इज माउंटेड ऑन डैश, ये बेस, क्रॉस रेल, क्लैपर बॉक्स, सैडल। उसका जो सही आंसर है आप लोग देखिए, जो टूल पोस्ट होते हैं ये होते हैं, आप लोग देखिए पूरा ध्यान से देखिए, टेल स्टॉक में होती है, सॉरी उसका जो सही आंसर हो जाएगा ये, उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, क्लैपर बॉक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है द ड्रिल साइज फॉर M20 टैप, ठीक है। M20 टैप का जो ड्रिल साइज क्या होगा, आप लोग को पता होना 20 माइनस कितना करेंगे हम लोग का पॉइंट 2.5, उसके बाद वहाँ पे 7.5 निकल कर आए हैं। उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप लोग को फॉर्मूला पता है तो इसका करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास ये जो 2.5 हम लोग, आप लोग मानते हैं कैसे आएगा, आप लोग देखिए चार्ट देख लीजिए, ठीक है, ड्रिल साइज का चार्ट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ग्रेड ऑफ फाइल इज यूज टू रिमूव स्मॉल अमाउंट ऑफ मेटल। वहाँ पे देखिए जो सबसे ज़्यादा लार्ज अमाउंट बोल सकते हैं, या तो सबसे ज़्यादा सबसे छोटा जो स्मॉल अमाउंट बोलते हैं, स्मॉल अमाउंट के लिए हम लोग वहाँ पे ऑप्शन करेंगे सही, ऑप्शन नंबर ए डेड स्मूथ फाइल, वहाँ पे लार्ज क्वांटिटी करेंगे तो रफ फाइल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारे पास देखिए लो हेलिक्स ड्रिलिंग और स्लोप स्पाइरल एंगल ड्रिलिंग टाइपिकल हैव अबाउट ऑफ डैश हेलिक्स। ए में दे रखा है 60 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री, 12 डिग्री। उसका जो सही आंसर हो जाएगा आपके पास में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर है, 30 डिग्री। मेरा तो ठीक से पता नहीं, आप लोग को पता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए, और वो भी गलत लग रहे हैं तो आप लोग नेट में सर्च कीजिए और कोई कोई ना कोई बुक में आप लोग देख लीजिए उसका आंसर क्या हो क्या होगा, ठीक है।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज डैश, जो कौन सा रेजिस्टेंस मटेरियल में इलास्टिक डिफॉर्मेशन होते हैं, ए में स्टिफनेस, डक्टिलिटी, फटीगे, रेजिस्टिविटी, उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, रेजिस्टिविटी। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन कर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मूर्च मेटल कंटेन कॉपर एंड जिंक इज रेशियो ऑफ डैश। ठीक है, वहाँ ये जो मूर्च मेटल ये है ब्रास का एक प्रोडक्ट है। ठीक है, ब्रास का कंपोनेंट क्या है, कॉपर एंड जिंक, ये भी मूर्च मेटल ब्रास का कंपोनेंट है, वहाँ पे देखिए कॉपर एंड जिंक, उसका जो रेशियो क्या है, ब्रास में देखिए जो मूर्च मेटल में कॉपर प्लस जिंक मिलते हैं एक 60% प्लस अदरवाइज 40%, इसको हम लोग काटते हैं तो 3:2 रेशियो में आते हैं। ठीक है, इसका मतलब है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इन ए सेंटर लेंथ द स्पिंडल स्पीड विल बी लोएस्ट ड्यूरिंग। ठीक है, हम लोग देखिए इन सेंटर लेंथ में जो स्पिंडल स्पीड हम लोग लो किस जॉब में करते हैं, या तो टैपर टर्निंग, या थ्रेड कटिंग, या पासिंग ऑफ, या नॉलिंग, आप लोग देखिए उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थ्रेड कटिंग में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, चलिए ये था हमारे पास जो फिटर ट्रेड का, ठीक है, जो फिटर ट्रेड का 80 MCQ। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर बता दीजिए और कमेंट कीजिए, जो भी उसमें रॉन्ग था मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख लीजिए, और क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, मेरे लिए मेरे तरफ से मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। चलिए आप लोग का कमेंट है मेरे मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं, आप लोग ज़रूर मेरे वीडियो लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक नहीं जुड़ा है आप लोग ज़रूर मेरे चैनल पर सब्सक्राइब बटन क्लिक करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ना भूले। ठीक है, चलिए आज ही इतना, फिर मिलेंगे अगले एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन लेकर आप लोग विजिट करते जाएंगे। ठीक है, चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।